निशाना इस तरफ का इशारा कर रहे हैं। सिपाहियों आगे बढ़ो। उस्मान साहब, मैंने आपको ढूंढ लिया है। अब आप बच नहीं पाएंगे। यहां से भागे हैं वो। चलो और तेज।
जनाब, इस तरफ से भागे हैं वो। वो जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। नहीं चाहते कि तुम लोग यहाँ आओ, हमें हमारे हाथ में छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आना। जरूर तुम लोग कोई बुरी खबर लेकर आए होंगे, जब से तुम लोग आए हो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। नहीं कह रहे, ये हुक्म सुल्तान मसूद का है और तुरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब ने सुल्तान मसूद के हुक्म को ना मानकर रियासत के साथ बगावत की है। अब अगर उस्मान साहब पकड़े गए तो उन्हें घोड़े पर नहीं बिठाया जाएगा बल्कि घसीटते हुए कोनिया ले जाया जाएगा। इसके अलावा आप में से जिसने भी उस्मान साहब की मदद की तो उसका सर कलम कर दिया जाए। बस ये काई कबीला है, हम हमेशा रियासत के हर हुकुम की तामील करते आए हैं, आपने यहां आकर अपना वक्त जाया किया है। अगर उस्मान मेरे सामने आया तो मैं खुद उसे सुल्तान मसूद के पास ले आऊंगा। कासिद पर गुस्सा ना करें गुंदू साहब, हम सिर्फ आपको खबर देने आए हैं, अब इजाजत दें। ये उस्मान को तलाश नहीं कर सके। शुक्र है अल्लाह का बेटी, लाख शुक्र है। गुंदू साहब, आपने उनके सामने ऐसा क्यों कहा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब अपने काम पर वापस जाएं, परेशान होने की जरूरत नहीं, चलो जाओ। अल्लाह रहम करे हमारे कबीले पे, पता नहीं हमारे कबीले के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत काम हो रहा है। अरे हां हां जरूर, मैंने तो भगवान की कोई नहीं। उस्मान की कोई खबर मिले या आप उस्मान से मिले तो सबसे पहले मुझे खबर दीजिएगा, मैं उसे बचा सकता हूं। आप सबसे पहले गुंदूज साहब को बताइए। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उस्मान साहब बखूबी जानते हैं कि उन्हें किसको खबर करनी है और किसको नहीं। आप तकलीफ ना कीजिए। मलहून खातून, बुरान सिपाही, उसे अपने साथ लेके जाना। बुरान अभी ये समझ नहीं सकता, उसे ये भी नहीं मालूम कि कहां खड़ा होना है। आयशा, इन खवातीन पर अब भरोसा नहीं है, अगर ये कबीले से निकले तो मुझे खबर होनी चाहिए। जो आपका हुक्म हुजूर।
आइगुल, जाने का वक्त हो गया है। मेरे और हान का ख्याल रखिएगा। वालिदा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह जल्द कामयाब लौटोगी। अल्लाह रास्ते रोशन करे, हमें खबर देती रहना। शुक्रिया बाला। करीब पहुंच गए हैं, उस तरफ चलें, चलें। मैंने आपको ढूंढ लिया उस्मान साहब। कोई जख्मी आदमी देखा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कुछ कह नहीं सकता, शायद उसने देखा हो, मैंने नहीं देखा हो, या शायद ना देखा हो उसने, मैं गलत समझ रहा हूं उसको। झूठ बोलना बुरी बात होती है। अपनी बकवास बंद करो, समझे? ये बताओ, देखा है या नहीं? मालूम है तुम्हें, जिसे मैंने देखा वो कोई आम इंसान नहीं था। शायद वो भेड़िया नुमा बड़ा सा एक इंसान था। यकीनन अब तुम सोच रहे होगे किसे और क्या पूछना चाहिए, है ना? तुम्हारा नाम क्या है? वाह, क्या सवाल है। सब क्या कहते हैं पता है? चरवाहा। देखो चरवाहे, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जाओ ढूंढो उन्हें। रुको, बूढ़ा हो गया था और घर में खाने को कुछ नहीं था। मैंने इसे अपने लिए ज़िबा किया। चलो सिपाहियों, चलें। उस्मान साहब,
उस्मान साहब, चलिए चले जनाब आराम से। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे, बहुत शुक्रिया। ये मेरे नसीब में था। चलिए आपको जाना चाहिए, अपना हाथ दीजिए, अब आराम से चले। रुके, क्या उस्मान कोई गद्दार है कि उसकी मदद करने वाले को फांसी दी जाएगी? क्या ये सही है? हाँ सही है गुंदू साहब। उसके फरार से साबित होता है कि उसने अपने इल्जामात कबूल किए हैं। उसका इस तरह सुल्तान की मर्जी के खिलाफ जाना क्या गद्दारी नहीं है गुंदू साहब? आप अर्तुरुल गाजी के बेटे हैं, आपकी तरजीह क्या है, उस्मान या आपका कबीला? मेरा कबीला? मैंने भी यही सोचा। अपने लोगों को काबू में रखें, हम नहीं चाहेंगे कि किसी को तकलीफ पहुंचे। वो सिपाही काई के सिपाही हैं, उन्हें कब रिहा करेंगे आप? किसने कहा कि वो काई के सिपाही हैं गुंदू साहब? वो सब के सब उस्मान के सिपाही हैं, काई के नहीं। अगर उन्हें रिहा किया तो वो उस्मान के पीछे जाएंगे और जान लीजिए कि वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। मैं उन्हें खोनिया भेजूंगा, उनका फैसला सुल्तान मसूद खुद करेंगे। अगर उन्होंने फरार की कोशिश नहीं की तो उनकी जान बच जाएगी गुंदू साहब। हमारे लिए और भी मसाइल हैं जिन पर बात करनी है, कबीले के लोगों और उनके मुस्तकबिल के बारे में। वजीर आलम शाह तैकफूर सराय में आ गए हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उस्मान साहब को बचाने के लिए मैं अपनी तलवार चलाऊंगा। रुक जाओ, सब ठीक है। उस्मान साहब, तुरगुत साहब, उस्मान साहब, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं, फिक्र मत कीजिए मेरे। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का उस्मान साहब। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। उस्मान, मलहून, उस्मान, उस्मान हुजूर, ये क्या हुआ है? कुछ नहीं है, फिक्र मत करो, ठीक हूँ मैं। हुजूर ठीक तो है आप? ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो। कैसे पहुंचे तुम लोग यहाँ? तुमने यहाँ किसी को देखा है? ज्यादा दूर जाके रास्ता खो बैठते हैं, सही कहा ना मैंने? हम एक सरदार के बेटे को तलाश कर रहे हैं, क्या तुमने उसे यहाँ देखा है? तलाश करने से हर चीज मिल जाती है, तलाश कर क्यों रहे हो? तुम ये क्यों पूछ रहे हो चरवाहे? तुमने उसे देखा है या नहीं, जल्दी बताओ। मुझे पूछने दे मलून खातून, इंशाल्लाह उस्मान साहब मिल जाएंगे। वरना ये जो कुछ जानता है नहीं बताएगा। क्या जानते हो? हम समंदर में एक कतरा बनने की भी हिम्मत नहीं रख सकते। उस्मान साहब,
फिक्र ना करो मेरे भाई, हम उनकी मदद के लिए उन्हें तलाश कर रहे हैं। बताओ मुझे किस तरफ गए हैं? अरे नहीं, ये तो उनके दोस्त हैं। उस तरफ गए हैं वो यहीं से गुजरे थे और वो जख्मी थे। जल्दी करिए आप। बहुत शुक्रिया। अल्लाह उस भले आदमी को सलामत रखे। मुझे जख्म देखने दें उस्मान साहब। मेरे हुजूर तशरीफ रखे। हुजूर आराम से। तशरीफ रखिए। आहिस्ता आराम से। आहिस्ता आराम से। आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उस्मान, हम पूरी तैयारी करके आए हैं। उस्मान साहब, दौरान है ये सिपाही। जब उन काफिरों ने घेर रखा था मुझे, तुझे मेरी मदद को पहुंचा। ये अब मेरा सिपाही। इसके अलावा मेरी जिंदगी मकरूज है इसके। मेरी जान आप पर कुर्बान है, तो फिर ये कर्ज कैसा? लंबी उम्र पाया। ऐ शुक्रिया, शुक्रिया। अब बताओ मुझे क्या सूरत हाल है? मारी ठीक तो हो ना? ये अब ठीक है, लेकिन उस बदबख्त निकोला ने मेरी आंखों के सामने मारी को जख्मी किया। मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूं। उस दलील ने कैसे अगवा किया था मुझे बताओ जरा। तुम तो सिपाहियों की हिफाजत में थी। आखिरी चीज जो मुझे अपने खेमे में याद है वो ये है कि मैंने आयशा खातून का लाया हुआ शरबत पिया था, और जब मैं बेदार हुई तो मैं वजीर आलम शाह के आदमियों के साथ थी, और फिर तुर्कुत वहां पे आ गया। हुजूर, सौत मुश्किल में है। सुल्तान मसूद ने ऐलान किया है कि जो भी आपकी मदद करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो आस्तीन का सांप वजीर सुल्तान को भी जहर दे रहा है। उसका मकसद तन्हा करना है मुझे, लेकिन ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाला और हां, कोई बताएगा वहां क्या हो रहा है? क्या है बताओ, क्या हुआ है? गुंदू साहब, वजीर ने गुंदू साहब को कबीले का सरदार बना दिया है। गुंदू साहब वजीर के साथ हैं हुजूर। क्या कह रही हो ये? क्या वजीर का साथ मेरे भाई ने दिया है? अगर रास्ते और फसलें महफूज हो जाएं और बाजार कायम हो जाएं, तो फिर यह बात वाजे है कि हर शख्स अमीर और मजबूत होगा। जहां तक मैं समझा हूं वजीर आलम शाह,
हमारे दोस्त आया निकोला, हम सबसे शायद ये ज्यादा मजबूत होंगे, और वो भी माली लिहाज से। बिल्कुल कोसिस, बिल्कुल। बात को घुमा फिरा के नहीं बल्कि खुल के करें। मेरा मतलब हरमन का आया क्यों नहीं, या रगत उसका ब्लेजिक क्यों नहीं, ये सिर्फ इनागोल ही क्यों? ये बाजार सिर्फ इनागोल में ही नहीं रहेगा, ये एक महीना सोध में और फिर इनागोल में लगेगा। अगर निकोला कुर्बानी देने के लिए राजी होता है तो हम तिजारती मरकज हरमान काया या बेल्जिक में कायम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि बातें अब बहुत हो गई हैं, अब अमल करने का वक्त है। जानते हैं सब कि हमें क्या करना है, बस अब से सब काम पर लग जाएं। टेकफूरों ने जब सुना कि बाजार इनागोल में होगा तो उनकी असलियत वाज़ेह हो गई। अभी तो सिर्फ खेल की शुरुआत है कुंदू साहब, अनकरीब ये एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जीतना इतना आसान नहीं है कुंदू साहब, बस आप देखते रहिए, काफरों को हम तलवार उठाए बगैर अंदर ही अंदर कुचल देंगे। मंगोल हमले के लिए तैयार हैं, पहले हमें उनको संभालना है, उसके बाद जरूर हम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे इंशाल्लाह। सरदार, आपने अहम सवाल पूछा। कान का मुस्तकबिल क्या होगा? ठीक याद दिलाया दाऊद उस्ताद। मैंने सुना है कि काई कबीले की कान अब सलजुकों की हो गई। हम जानते थे कि आप ये सवाल हमसे जरूर करेंगे। कान निकोला को नहीं दी, आपको इस पर खुश होना चाहिए। अभी तक उसकी तमाम जिम्मेदारी सलजूक रियासत के पास है। शुक्रिया, अब हमें इजाजत दीजिए। उस्मान को ढूंढ नहीं सके जनाब, लेकिन मैंने अपने सिपाहियों को जंगल में छोड़ा है, वो हमसे बच नहीं सकता। मैं उसे ढूंढ लूंगा। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ सके तो इसका मतलब है कि वो खुद यहां आएगा। सिपाही कोनूर, वो उसे बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। हमें मोहतात रहना चाहिए,
अगर उसने ऐसा ही किया जैसा कि मेरे जहन में है तो फिर देख लेंगे उसे। तो फिर मैं उसके मुताबिक अमल करूंगा। जैसा कि हमने सोचा है वैसा ही होगा जब हम खुशहाली और अमन लेकर आएंगे। उसके बाद लोगों को उस्मान को भूलने में देर नहीं लगेगी। वो अपनी साख भी खो देगा। आवाम की हिमायत हासिल करने के बाद मैं सिर्फ सोत का हुक्मरान नहीं बल्कि तमाम कबाइल और सलजू की रियासत पर चलेगा मेरा हुक्म। लेकिन जनाब, तकफूरों के बारे में क्या ख्याल है? तकफूर कुछ नहीं, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो सिर्फ मेरे लिए एक रास्ता है बस, बिल्कुल तुर्कों की तरह। जब चाहूं मैं उन्हें कुचल सकता हूं। बस कुछ वक्त के लिए मैं उन्हें छूट दे रहा हूं। जान गया तुम्हें, ऊट पटांग जंगल के। सही पहचाना, मैं वही हूं, वही हूं मैं। हां, मैं वही पागल हूं। तुम भी मुझे उस्मान के दीवाने लगते हो। ठीक कहा मैंने? तुम्हारी इतनी जिर्रत, तुम में इतनी हिम्मत कहां से आई कि तुम मेरे कले में अकेले मेरे सामने आके खड़े हो गए? तुम्हें भी उसी खुदा पर भरोसा है जिस पर उस्मान को है? अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो सब वाज़े है, लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते तो महरूम रह जाओगे। अपने रब को देखने और समझने के लिए अपने दिल में झांको। तुम सिर्फ अंधे बने हुए हो कोशिश, तुम तो उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन तुम हमेशा अंधे नहीं रहोगे। गुजर जाएगा ये वक्त। कहना क्या है, साफ बात करो। मुझे हमेशा से सीधी बात करना पसंद है। अपनी बहन मारी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसका जख्म ठीक हो गया है। आखिर कह क्या रहे हो? समझ नहीं पा रहा हूं, साफ बताओ। मारी तो निकोला की निगरानी में है। नहीं, मारी अब किसी जल्लाद के साथ नहीं है। निकोला ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तुर्गुत साहब एक सिपाही हैं। उसने तुम्हारी बहन की जान बचाई, अब वो उस्मान साहब के साथ है। क्या कहा? होश में तो हो ना? मुझे लगा कि तुम होशियार हो। निकोला से कैसे धोखा खा सकते हो, समझ नहीं आ रहा। निकोला, आखिर कब तक झूठ बोलोगे तुम मुझसे? निकोला, मेरी बहन को मारना चाह, जानता भी है कि मुझे मारी से कितना प्यार है। हिसाब देना होगा, मारे जाओगे मेरे हाथों। तैयार हो जाओ सिपाहियों। रुक जाओ, सब्र करो अभी थोड़ा। उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोशिश समझदार है, वो अपनी बहन का सुनते ही मेरे पास आएगा। उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे राज भी खुल जाएंगे कोशिश।
हुजूर, मैंने सुना है कि वजीर इनागोल में एक बाजार कायम करेगा। वो छोटी सोच का वजीर समझता है कि वो सरदारों की झोलियां भर देगा सोने से, तो शोहरत की बुलंदी को पहुंच जाएगा। मैं जो करूं वो उसके बरक्स करता है। यही नहीं, आवाम से झूठे वादे भी करता है। क्या अंदर आ सकता हूं सरदार? हाँ आ जाओ मेरे सरदार। अंदर आ जाएं। मारे तुम देखते हो ना मेरी बहन। आपने मुझे निकोला के पास छोड़ दिया और उसने मुझे मारने की कोशिश की। और अब आपको याद आ रहा है कि मैं आपकी बहन हूं। मारी ऐसी बात मत। वहीं रुक जाओ कोशिश, करीब मत आना इसके। दुर्गुत रुक जाओ जरा। मैंने हमेशा ये चाहा कि तुम अच्छी जिंदगी बसर करो, लेकिन निकोला ने ये करके मेरे फैसले को गलत साबित कर दिया। अब मैं वादा करता हूं उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। वही दुश्मन है हमारा भी। ये अच्छा नहीं हुआ सरदार उस्मान। उन दोनों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए आज से मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। साउथ में एक तकरीब मुनक्किद होने वाली है, अगर साथ देना चाहते हैं आप हमारा तो आप ही हैं जो हमें साउथ लेकर जाएंगे। हो गया समझे। बगैर किसी शक व शुबे के आप अंदर दाखिल हो जाएंगे। सैमुअल की जिम्मेदारी होगी कि आपको जाने दें। अगर आप रास्ते से भटक गए तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा आपका, यानी कि अकेले रह जाओगे। अकेले होने का मतलब वाज़े है, भेड़ियों का शिकार बन जाना। मैं शिकारी हूं, जानता हूं भेड़ियों के भी कुछ उसूल होते हैं उस्मान साहब। और मुझे जो घाव लगा है वो इतना गहरा है कि खून अभी तक रिस रहा है, और मुझे ये घाव मेरे अपनों ने दिया। उन्होंने मेरी बहन पे हमला करके, कर सकते हो भरोसा मुझ पर। अपनी आंखें खुली रखना, किसी को अंदर नहीं जाने देना। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? कभी नहीं, हमें इंसाफ करना चाहिए। ये पियो, ये निहायत आला शरबत है। मैं चाहता हूं हर कोई इससे लुत्फ अंदोज हो। अल्लाह राजी हो आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका लुफ्त उठाएं मेरे बहादुरों। अगर इजाजत दे तो अंदर सिपाहियों को भी शरबत पिला दूं। नहीं जनाब, अंदर सिर्फ कैदी हैं।
अब अपने सिपाहियों को बचाने का वक्त आ गया है। चलो कुमराल अब्दाल, घोड़ों के पास से सिपाहियों के कपड़े उठा लाइए जल्दी से। जैसे आपका हुक्म। चलो अपने पास रखो, सिपाही कोनिया जाएंगे, थोड़ी देर के लिए कम नजर आना, यह वजीर आलम शाह का हुक्म है। गद्दार गद्दार लानती गद्दार गद्दार, ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते बहादुर, ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहते। शुक्रिया। इंतजार करो, वहां मत जाओ, छुप छुप कर बाहर निकलो। हाँ ठीक है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कैसे कर सकते हो? उस्मान साहब, अब मजा आएगा। उस्मान साहब, हाँ। गद्दार कुत्ता, लानत हो तुम पे। सोने के पीछे ईमान बेच दिया तुमने। मेरे सिपाहियों के साथ जो हुआ तुम उसकी कीमत चुकाओगे। लानत हो, उठो ना। बताओ मुझे, तुम ही गद्दार थे ना कबीले के? बताओ मुझे। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हारे घोड़े काराई को भी मैंने मारा था। क्या हुआ ये और किसने किया है? उस्मान, वो अपने सिपाहियों को ले गया। मतलब तुम ये कह रहे हो कोनूर कि तुम चंद आदमियों को रोक नहीं सके? हमारे साथ खेल खेला गया, हमने रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने चाल चली और तुम नाकाम हो गए। लगता है कि तुम्हें यह ओहदा देकर शायद मैंने ही गलती की। एक दरवेश ने पहरेदारों को शरबत पिलाया था, जब ये बेहोश हुए तब वो चुपके से अंदर दाखिल हो गए, लेकिन ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी जनाब। अच्छा तो ये बात है,
मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। अदब अली, तो तुमने उस्मान की मदद की। सही वक्त पर पहुंचे हो जलाली। अब पता चलेगा उसे कि उस्मान की मदद करने का क्या मतलब है। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म वजीर आलम शाह। जाके ढूंढो उसे, वो उस्मान के साथ होगा और इस बार गलती की गुंजाइश नहीं। जैसे आपका हुक्म जनाब। उस्मान साहब, मैंने तकफुरों के साथ इत्तेहाद पर एक मुआहिदा किया था, लेकिन उस कमज़र्फ निकोला की गद्दारी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी अब अपने मुआहिदे से फिर जाऊं। इंतकाम की ख्वाहिश ने तो मजबूर कर दिया तुम्हें हमारे साथ काम करने के लिए कोशिश। ये तो होता ही है, आप भी समझते हैं, लेकिन एक बात तो तय, निकोला का खात्मा करके रुकूंगा। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो फिर ठीक है, लेकिन इंतकाम का कहकर गद्दारी करने की फिर कोशिश मत करना। आप फिक्र ना करें, मेरी चालें सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होती हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाएं। आपको पुरसुकून रहना चाहिए। पुरसुकून तो मैं रहता हूं हर वक्त, चाहे वो चाल का वक्त है या वो जाल का। मेरी फिक्र मत करो, मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि वहां के बाजारों के अंदर खाइयों का भी सामान होगा और आपका भी सामान होगा, तो इसलिए नहीं चाहता कि उसे नुकसान पहुंचे। एनागोल में जो बाजार कायम किया जाएगा वो दोनों के लिए बिल्कुल सही नहीं है कोशिश, उसे हम तबाह कर देंगे। समझ गया। अब मुझे करना क्या होगा बताइए। तुम्हारा माल वहां जा रहा है, उस माल को ले जाने वाले छकड़ों में मेरे सिपाही और आग लगाने के लिए तेल अंदर ले जाया जाएगा और दुकानों को जलाकर राख कर दिया जाएगा। एक गवर्नर जो अपने ही लोगों और जमीनों के दिफा के लिए बेबस है, इस तरह से बाजार की मेजबानी नहीं कर सकता। और फिर क्या होगा? वजीर के पास और कोई चारा नहीं होगा, वो बाजार हरमान काया में लगाएगा। आपका मंसूबा तो अच्छा है, लेकिन वजीर और वो निकोला, मैं जानता हूं कभी नहीं चाहेंगे कि बाजार हरमान काया में कायम किया जाए। बाजार हरमान काया में नहीं, बल्कि मैं जानता हूं वो कहां कायम करना चाहेंगे, और उस जगह का नाम है बिलेजिक। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि बिलेजिक में बाजार लगाने का माकूल मशवरा भी मैं ही उन्हें दूंगा। और फिर आएगा रोगतोस, उसे कायल कर सकते हो तुम क्या? निकोला से हिसाब बराबर करने के लिए मैं कायल कोशिश शैतान को भी कायल कर सकता है। ये तो अच्छा है, शुक्रिया। बाजार बिलेजिक में ही लगाया जाएगा, बहुत जल्द वजीर से सामना होगा। और जिसने मेरी बहन मारी को मारने की कोशिश की, मुझे उस बदबख्त निकोला को मार के तसल्ली मिलेगी। मेरा मकसद और आपका मकसद दोनों पूरे। मारी हमारे साथ रहेगी। अगर एहसास हो ही गया है तुम्हें गलती का, तो मारी, तुम्हें अपने भाई से इजाजत लेनी पड़ेगी।
अल्लाह के हुक्म से और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल के मुताबिक आपकी बहन मारी का हाथ मांगता हूं अपने भाई तुर्गुत के लिए। मेरी एक शर्त है। मेरी बहन की शादी अरमान काया में होगी। हे शुक्रिया, अरमान काया में ही होगी। तो फिर मेरा भी खुले दिल से एक फैसला उस्मान साहब, तुर्गुत साहब और मारी के इस रिश्ते को कबूल करता हूं। शुक्रिया। मुबारक। मारी भाई, खुश होना। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा चाहा है मारी। बाजार जला देने के बाद उस्मान साहब आप यहां महफूज नहीं रहेंगे, उनका पूरा शक आप पर होगा और यह ठीक नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ वक्त के लिए आप हरमन काया में आ जाएं। देखेंगे, हम उसके बाद इन्हें गोल जाएंगे। इसका नाम जहरा है मेरे शेख, और इसका ताल्लुक हमारे कबीले से है। शेख अदाबाली, जिस वक्त हम यहां थे तो उस्मान ने आकर मेरे सिपाहियों को निशाना बनाया और अपने सिपाहियों को लेकर फरार हो गया। इस बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? सुना है कि पहले मेरे सिपाहियों को किसी ने शरबत पिलाया जिसकी वजह से वो बेहोश हुए। तुमने नाइंसाफी की है, किसी भी वजह के बिना सिपाहियों को कैद किया, उन पे जुल्म किया, और उस्मान साहब ने इंसाफ किया और मैं उसमें उनके शाना बशाना खड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। बहुत पछताओगे अदाबाली, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इसके बदले जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मैं इसके लिए एक लम्हे भी नहीं सोचूंगा और न ही पीछे हटूंगा। और यह जो तुम्हारे लिए अजाब है, हमारे लिए इनाम है, और जिसको तुम इनाम समझते हो वो हमारे लिए अजाब है। इस गद्दार को इसी वक्त गिरफ्तार कर लो। छोड़ दो मेरे शेख को। छोड़ो इन्हें, मेरे बाबा हैं। छोड़ दो इन्हें। छोड़ दो उन्हें। बाबा, आ, बाला खातून, उन्हें छोड़ दो। बाला, ऐसा कौन सा जुर्म किया है बाबा ने? क्या करोगे इनके साथ? फिकर मत कीजिए, मैं इनकी खातिर तवाज़ो में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, सब्र। रब की तरफ से जो भी आता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। सब्र से काम लो, सब्र मेरी बच्ची। ले चलो इसे। नहीं नहीं बाबा, आखिर कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बाबा को? छोड़ो मेरे बाबा को, छोड़ो मुझे, छोड़ो बाबा जान।
आप ठीक तो हैं? बाबा, मेरे बाबा जान, बाबा। अल्लाह, 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 मेरे अल्लाह, अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल आया। उस अजीम इंसान ने बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की सिर्फ हक का साथ देने के लिए, और कभी भी जालिम और उसके जुल्म के आगे झुके नहीं। और हम भी हक का रास्ता ही इख्तियार करेंगे अल्लाह के हुक्म से, जालिम वजीर के जुल्म से डरेंगे नहीं, हकीकत और सच्चाई से मुंह नहीं फेरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम, हम जुल्म के खिलाफ डटे रहेंगे। चलो अब तुम अपना मुंह खोलो। शेख अदाबाली, उस्मान कहाँ है? मेरे शेख को हाथ मत लगाना, उनके खिलाफ जो भी हाथ उठेगा उसे तोड़ दिया जाएगा। मेरे शेख को हाथ मत लगाना। अगर तुम ये नहीं बताओगे कि उस्मान कहाँ है, तो तुम्हारी खाल में काल की छोड़ूंगा, तुम्हारी हड्डियों से तोड़ से लेना कर दिया जाएगा। इसको निपटा दिया शेख अदाबाली, अब तुम्हारी पारी है। जालिम का साथ देने के बजाय सारी जिंदगी जिंदान में गुजारना पसंद करूंगा। हम पहले ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा वक्त दे चुके हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? शेख अदाबाली के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये वजीर आलम शाह का हुक्म है, अगर ये मुंह नहीं खोलते तो जो जरूरी हुआ वो मैं करके रहूंगा। तो फिर तुम्हें इंतजार करना होगा जलाली। शेख अदाबाली की जब मर्जी होगी तब वो बोलेंगे, इंतजार करोगे समझे? अब तुम इन्हें हाथ नहीं लगाओगे। शेख अदाबाली नेक इंसान है और हम इनके साथ ऐसा सुलूक हरगिज नहीं कर सकते हैं। अब जाओ यहां से। सिपाहियों, चाबियां दो मुझे। शेख अदाबाली, आप ठीक हैं? मोहतरम शेख, मैं माफी चाहता हूं।
तुम शैतान की पनागाह में क्या कर रहे हो बेटा? चलो हुजूर, आप जाएं, हम इन्हें देख लेंगे। मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है कुतान। जल्दी किस बात की है दुर्गत साहब? चलो आ जाओ, मैं एक तवील अरसे से इस लम्हे के इंतजार में था। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। शुक्रिया कुमराल अब्दाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारा पीछा बहुत मुबारक है। मुझे गलत मत समझिएगा, क्या ये चरवाहा है? जी हाँ हमारी खातून, चरवाहा होना एक बाबरकत पेशा है। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम भी बकरियां चराया करते थे। न सिर्फ वो बल्कि हजरत आदम के बेटे हाबिल, हजरत मूसा और हजरत दाऊद, वो सब भी बकरियां चराया करते थे। सही फरमाया, कोई शक नहीं कि बकरियां चराना एक मुबारक काम है। अल्लाह के बहुत से पैगंबर बकरियां चराया करते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि क्या हमारे हुजूर भी बकरियां चराया करते थे? जवाब मिला, जी हाँ ऐसा ही है, मक्का में हमारे हुजूर भी बकरियां चराया करते थे। बकरी चराना इतना अहम क्यों है? बकरियां चराने का मतलब है सब्र। सुबह सवेरे उठना,
और पालतू जानवरों का ख्याल रखना, उनको जंगली जानवरों और गीदड़ों से बचाना। और ये काम सिर्फ सब्र वाले ही कर सकते हैं। सब्र करना जरूरी है मारी खातून। उस्मान सऊद में आने वाला है, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? हम आपको उस्मान साहब का बताते और आप अपने उस वजीर को बता देते। मलहून खातून, सोचकर बात करें। आप मुझे बुरा समझती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा मकसद एक ही है, अपने भाई को बचाना। अगर वो हथियार डालते तो मैं खुद उसके साथ कुनिया जाऊंगा, लेकिन अगर उस्मान बागियों वाला काम करता रहेगा, हालात और बिगड़ जाएंगे। उसने आधा इना गोल चला दिया। अरे वाह, माशाल्लाह, मेरा बहादुर लड़का, अल्लाह उसको सलामत रखे। आप क्या कह रही हैं ताईजान? ताईजान, उस्मान ने इनागोल को चलाकर तकफूरों को भड़का दिया। वो मेरी जान ले लेते। अगर वजीर आलम शाह वाना होते तो मेरा बचना नामुमकिन था। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, कुर्बानी दे सकता हूं मैं। अहम चीज हमारा कबीला है और इसकी सालमियत है। अगर हम तिजारत नहीं करेंगे तो हमारे लोगों का क्या हाल होगा, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उस्मान को रोकना जरूरी है, वरना हमारा कबीला बहुत मुश्किलात में पड़ जाएगा। इस तरह की बड़ी मुश्किलें आएंगी गुंदू साहब, और जिस वजीर से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे बाबा को कैद कर दिया है उसने। ये आप क्या कह रही हैं बाला खातून? शेख अदाबाली को जिंदान में क्यों डालेंगे वो? आपको ये उस वजीर से पूछना होगा। आप अपने भाई से ज्यादा उस वजीर पर भरोसा करते हैं, ये उम्मीद नहीं थी। वो वजीर जबरदस्ती मेरे बाबा को उठाकर ले गया है। दाऊद मीर ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, अवाम ने बगावत की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। वजीर जो चाहता है वही करता है। अब मेरे बाबा जिंदान में है गुंदू साहब। अगर थोड़ी भी हिम्मत है, हमारे शेख को जिंदान से बाहर निकलवा कर दिखाइए। बाला खातून, वजीर के पास जाऊंगा मैं, आप परेशान ना हो। शेख अदाबाली को जिंदान में नहीं रहने दूंगा। और ये कब होगा गुंदू साहब? वजीर इस वक्त ना गोल में है, मुझे मालूम है। अगर सऊद में होता तो अभी उसके पास जाता। मैं सुबह ही उसके पास जाऊंगा। सरदार गुद्दूस का वादा है, शेख अदाबाली वापस आएंगे।